अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टैटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज प्रॉब्लम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। सो वी हैव अ क्वेश्चन, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट ए एट पिन ए एंड टेंशन डेवलप इन द केबल बी सी यूज्ड टू सपोर्ट द स्टील फ्रेम। अच्छा जी, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि सपोर्ट ए पर जो रिएक्शन बन रहे हैं जो कि इसके हॉरिजॉन्टल में बनेंगे, ठीक है, तो इसका हमने रिएक्शन फाइंड करने होंगे। उसके बाद हमारे पास इस केबल में जो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में या इस केबल में जो टेंशन बनेगा वो भी हमने फाइंड करनी होगी, ठीक है, इस बीसी वायर में जो टेंशन होगा, सही है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम सही तरह से ड्रा करना है, उसके डायरेक्शंस अच्छी तरीके से एज्यूम करने हैं। अगर उसके पॉजिटिव आंसर आ गए तो इसका मतलब यह है कि एज्यूम डायरेक्शन जो है वो आप लोगों ने ठीक लिया है, और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो उस डायरेक्शन को फिर उलट कर दो, फिर ठीक आएंगे। अच्छा जी, ये कंसेप्ट आगे प्रॉब्लम में आएगा, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि नेगेटिव आंसर जो क्यों आता है और ये किस तरह डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते। ये देखो, ये मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया है, ऊपर से इस पर 60 kN जो है ये फोर्स लग रहा है ऊपर से, ठीक है ये, और यहाँ पर इसके एंड में एक मोमेंट भी पैदा हो रहा है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू हमें दी गई है जो कि 30 kN है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पर इस यहाँ पर ये केबल जो है, इस केबल में देखो यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रही है, तो वो मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम को आप देख रही है, ये मैंने टेंशन बनाया है इस स्ट्रिंग में, चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल भी गिवन है। जहाँ पर जिस चीज़ में ट्राइंगल गिवन हो तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है, ठीक है, इनडायरेक्टली वो हमने फाइंड करना होगा। तो जो एंगल यहाँ होगा इस ट्राइंगल के बीच में वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये एंगल इस टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो मैंने इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा इस्तेमाल किया हुआ। कॉस थीटा हम उसके साथ लिखेंगे जिसके जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा हो, तो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये एंगल मैंने किस तरह फाइंड किया, ये यहाँ पर सब कुछ वेरियस गिवन है। देखो, जब मैं ये वाला एंगल लूँगा तो ये 4 जो है ये इसका बेस हो जाएगा, ये 3 जो है ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 5 जो है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये 3 परपेंडिकुलर इसलिए हो जाएगा कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद रिएक्टिव फोर्सेस ए पर लग रहे हैं। देखो, ए जो है, सबसे पहले तो आप लोग ये नोट करो कि ये कौन सा सपोर्ट है। देखो, ये पिन सपोर्ट है, ठीक है। मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्टिव फोर्सेज इसके शो कर लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर शो कर लिए। तो अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, सम पीपल है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूस 5 है। साइन थीटा की मैंने ये वैल्यू लिख ली जो कि हमें गिवन है। कॉस थीटा हमारे पास आता है कर्ली ब्रॉन है और बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो मैंने यहाँ पर 4/5 लिखा है, ठीक है। ये वैल्यूज अपने साथ नोट कर ले, फिर नीचे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब हम मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेता हूँ। देखो, आर एक्स जो है वो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से आ जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के इक्वेशन से आएगा, और जो वर्टिकल है वो वर्टिकल के इक्वेशन से आ जाएंगे। जो फोर्स वर्टिकल एक्ट कर रहे हैं वो वर्टिकल के इक्वेशन से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, अच्छा, आर ए एक्स पॉजिटिव लिया है, क्यों, क्योंकि ये राइट टुवर्ड द राइट जा रहा है, टुवर्ड द राइट मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है। और उसके साथ साथ ये टी जो है, ये कॉस कंपोनेंट, ये इधर केबल में जो टेंशन बन रहा है उसका उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड द लेफ्ट जा रहा है, तो टुवर्ड द लेफ्ट मैंने नेगेटिव लिया है, टुवर्ड द राइट मैंने पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट जब जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, -t साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि एंगल इसके साथ नहीं बन रहा है, वो वाई के साथ बन रहा है, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ हम थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, टी साइन थीटा। जब ये इसकी वैल्यू आएगी तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम आते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जब अपवर्ड जाएगा तो मैंने पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर अपवर्ड कौन से फोर्स, देखो एक तो ये हो गया यहाँ पर सपोर्ट ए पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अच्छा एक ये फोर्स हो गया, दूसरा वर्टिकल फोर्स जो है वो ये टी का वाई कंपोनेंट जो है जो कि टी कॉस थीटा के बराबर है, कॉस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एंगल इसके साथ बन रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी देखो नेगेटिव वैल्यू आई है। मैंने नेगेटिव क्यों लिखी, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, और डाउनवर्ड मैंने नेगेटिव लिया, अपवर्ड जब पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो 60 के साथ भी नेगेटिव लिया, क्यों, क्योंकि 60 भी ए लॉन्ग डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये नेगेटिव ले लिया। अच्छा, डायरेक्शन जो उसके उलट आ रहे हो तो आपने नेगेटिव लेना होगा। अब जब हम ये इक्वेट करेंगे या सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आर ए वाई किस चीज़ के बराबर होगा, टी कॉस थीटा प्लस 60,
अच्छा ये हमारे पास आर एफ एन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आर एक्स का है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट का है, एक्स कंपोनेंट का। और दूसरा इक्वेशन जो है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट का है। तो इसको आप लोग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन नाम दे दो, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज नॉन है। कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सिर्फ टेंशन अननोन है, वो हम मूवमेंट के इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो ठीक है ये बात समझो, मूवमेंट मैंने क्या लिया हुआ है, मूवमेंट जो है वो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते जाओ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, देखो इसके अलग लाइन ड्रा करो, फोर्स इस तरह लग रहा है ना। और मूवमेंट मैं कौन से पॉइंट पर ले रहा हूँ, मैं ए पॉइंट पर ले रहा हूँ। तो नीचे आओ 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 इस तरह आओ, देखो ये ए पॉइंट है। तो इन दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि वन है। तो मैंने 60 के साथ वन मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ पर मैंने 30 प्लस किया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास एक मूवमेंट भी गिवन है, वो हमने इसके साथ ऐड करना होगा, ठीक है, डायरेक्ट मूवमेंट दिया है। फिर उसके बाद ये जो टी है, इसके जब मैंने कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए, जब कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई आएगा। देखो एक्स कंपोनेंट के साथ पहले तो वाई कंपोनेंट आता है, ठीक है, वाई कंपोनेंट के साथ अगर मैं ये इस तरह लाइन खींच वाई कंपोनेंट के लाइन, तो वाई कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि वन दिया है, ठीक है। अब उसके बाद साइन कंपोनेंट के साथ आपने कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा, मूवमेंट इस तरह लाइन ड्रा करो, फिर इस तरह लाइन ड्रा करो इस ए पॉइंट पे। तो आप लोगों ने ये वाला डिस्टेंस आप लोगों ने इससे पे लेना होगा। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन है, ये देखो ये 3 मीटर है, तो मैंने इसलिए ये 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। ये कॉस कंपोनेंट यहाँ पर जो एफ एफ वाई है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो 1 है, लेकिन एफ एफ ये टी एफ एक्स जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, ठीक है, इस ये टेंशन इक्वेशन के बहुत ही वैल्यूज उस साइड पे ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू डाल लो और इसमें साइन थीटा की वैल्यू डाल लो, क्योंकि मैंने इक्वेशन के स्टार्ट में उस ट्राइंगल से फाइंड किए थे, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, ठीक है। तो जब ये इसमें हम डालेंगे, ये इक्वेट करेंगे, तो इससे हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 34.6 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि अब हमारे पास टेंशन की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यही वैल्यू आप लोग कहाँ पे पुट करो, आप लोग इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में टेंशन की वैल्यूज पुट कर लो। तो आप लोग जब इसमें टेंशन की वैल्यू पुट करोगे तो इससे हमारे पास क्या क्या फाइंड हो जाएगा, इससे हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन एट ए इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड सपोर्ट रिएक्शन एट ए इन दी वर्टिकल डायरेक्शन फाइंड हो जाएगा, जो कि मैंने इधर आप लोग के रिसल्व करके दिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन आर ए एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन वन से टी साइन थीटा, तो यहाँ पर ठीक है अपनी वैल्यू डालो, साइन थीटा की 3/5 है, इससे हमारे पास आंसर क्या आता है 20.76, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 20.8 के। फिर इक्वेशन टू में ये वैल्यू पुट करते जाओ टेंशन की और कॉस थीटा की, फिर प्लस 60, उससे हमारे पास आंसर आता है 87.68, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 87.7 किलो न्यूटन के। तो ये था आज का हमारा आंसर। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह ये लिस्ट में इस तरह वीडियो एड होती रहे और ये सिलसिला जारी रहे इस अंडरस्टैंडिंग का, और इस वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो, तो काइंडली लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।